टाउन माउस एंड कंट्री, शहरी चूहा और देहाती चूहा। एक बार की बात है, एक छोटा सा चूहा था जो एक शहर में रहता था। उसे अपने दोस्त की तस्वीर मिली जो देहात में था, तो उसने सोचा कि उसके पास जाकर उसे चौंकाया जाए। ओ, ये क्या, ये जगह कितनी गंदी लग रही है। गंदे पालतू जानवरों की बदबू आ रही है। मैं जल्द ही अपने दोस्त का घर ढूंढ लूंगा। हेलो मेरे प्यारे दोस्त, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, सोचा तुमसे एक बार मिल लूं। हाँ, तुमने मुझे चौंका दिया। मेरे इस छोटे से गांव में तुम्हारा स्वागत है मेरे दोस्त। मुझे अच्छा लगा कि तुम शहर से मुझसे यहाँ मिलने आए हो। शुक्रिया दोस्त, शुक्रिया। दोनों दोस्त कुछ देर तक बातें करते रहे। तुमने इतना लंबा सफर किया है ना, तुम अब थक चुके होंगे। तुम जाकर हाथ मुंह क्यों नहीं धो लेते? तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना पकाता हूँ मेरे दोस्त। देहाती चूहा खेत की तरफ गया, शहरी चूहा हाथ मुंह धो रहा था। जरा सुनो मेरे दोस्त, मैं जाकर ताजी सब्जियां लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। तभी शहरी चूहे ने हाथ मुंह धोते हुए सारा पानी खत्म कर दिया। हाँ, यहाँ तो कितना कम पानी है, मेरे शहर में तो बहुत ज्यादा पानी होता है। शहरी चूहा बाहर आया पूरी तरह से परेशान होकर। आ जाओ, हम यहाँ बैठकर खाना खाते हैं। मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आया हूँ, देखो। देहाती चूहे ने शकरकंदी, ताजे बीटरूट और शलगम परोसे और ताजा दूध भी। दोस्त, तुम बैठ क्यों नहीं जाते? देहाती चूहे ने शहरी चूहे को खाना खिलाया। क्या तुम देहात में ऐसे खाना खाते हो? बेस्वाद खाना, बिल्कुल स्वाद नहीं है इनमें। देहाती चूहे ने अपने दोस्त को खुश करने की बहुत कोशिश की, पर वो सफल नहीं हुआ। खाने के बाद देहाती चूहे ने सोचा कि शहरी चूहे को खेत दिखाए जाए। हवा कितनी ताजी है, मुझे तो उन फूलों की सुगंध आ रही है। हरी हरी सी चीज क्या है? ये तो ताजे मटर हैं यहाँ पर। फिर वो एक कचरे के ढेर के पास पहुँचे। हाँ, कितना बदबूदार है ये। मेरे शहर में बहुत सफाई है। मैं सच कह रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्त, मुझे तुम्हारे यहाँ रहने का तरीका पसंद नहीं आया। तुम इस तरह का खाना खाते हो, कीड़े मकोड़ों के पास में रहते हो, जरा गंदगी तो देखो। तुम मेरे शहर में आओ दोस्त, तुम इस जगह को भूल जाओगे। अगर तुम्हें खाना अच्छा नहीं लगा तो मैं माफी चाहता हूँ, पर खाना खराब नहीं था। इस गांव में सब कुछ बहुत ताजा है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कुछ दिनों के लिए शहर में आओ, ताकि मैं अपनी जिंदगी तुम्हें दिखा सकूं। मैं तुम्हें खिलाऊंगा चीज, पास्ता, दाने और बहुत कुछ। ये तो बहुत ही अच्छा है, मैं जरूर आऊंगा। मुझे यकीन है तुम्हें बहुत मजा आएगा। शहरी चूहा सामान बांधकर जाने लगा। मेरे जाने का समय आ गया है, धन्यवाद, मुझे बहुत मजा आया, जल्दी शहर में मिलते हैं। चूहों ने एक दूसरे को जफ्फी दी और अलविदा कहा। कुछ दिनों बाद देहाती चूहा शहरी चूहे से मिलने के लिए सामान बांधने लगा। कितनी ऊंची इमारतें हैं, चमचमाती गाड़ियां, और मुझे कितना अच्छा खाना मिलेगा। मुझे तो इस शहर से प्यार हो गया है। कितना शोर है यहाँ पर। वो आखिर में शहरी चूहे के घर पहुँच जाता है। स्वागत है, स्वागत है मेरे प्यारे दोस्त, मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है। शहरी चूहा देहाती चूहे को अपने घर के अंदर ले गया। उन्होंने थोड़ी देर बातें की। जब घर के नौकर खाना लगा रहे थे, शहरी चूहे ने सूंघ कर कहा, चलो मेरे दोस्त, खाना तैयार है।
चलो खाते हैं। देहाती चूहा खाना खाने के लिए बहुत उत्सुक था। अपने आप ले लो दोस्त, यहाँ हर चीज है। दूध, पास्ता, टोस्ट, पीनट बटर, केक और फल भी। शुक्रिया, मैं तुम्हारी जीवन शैली से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ हूँ। मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे पास यहीं रह जाऊँ। जैसे ही वो खाने लगा, नौकर वापस आया। वो लकड़ी से उन्हें भगाने लगा। तुम गंदे जानवर, ये लो, चले जाओ यहाँ से। चलो जल्दी, कहीं छिप जाते हैं। शहरी चूहे को बहुत शर्मिंदगी हुई। घबराओ मत दोस्त, जैसे ही वो जाएंगे हम खा लेंगे। उन्होंने बाहर घूमने की सोची जब तक खाना हटाया जाए। चलो मैं तुम्हें एक जगह दिखाता हूँ जहाँ हर तरह का खाना मिलता है। क्या वो क्या है? ये यहाँ की सबसे मशहूर दुकान है। उन्होंने रास्ते में एक बिल्ली को देखा जो तेजी से उनकी तरफ भाग कर आ रही थी। जल्दी भागो। वो क्या था? मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। वो एक बड़ी मोटी बिल्ली है और वो एक मिनट में चली जाएगी, बस चुप रहो। बिल्ली के जाने के बाद वो डिपार्टमेंट स्टोर में चले गए। देहाती चूहे ने कुछ अजीब सा देखा। ये क्या है? ध्यान से, वो चूहे का पिंजरा है। चूहे का पिंजरा क्या होता है? वैसे अब मैं तुम्हें समझा नहीं सकता कि ये क्या है, पर तुम जैसे ही अंदर पड़ी चीज को पकड़ लेते हो तुम अंदर फंस जाते हो और फिर तुम कभी बाहर नहीं निकल सकते। लगता है मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा, ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हो रहा है। वैसे ये इतना बुरा भी नहीं है, बस तुम्हें थोड़ा सावधान रहना होगा। मेरे दोस्त, बस बहुत हुआ ये भागना और कूदना यहाँ वहाँ और डरते रहना और भयभीत होते रहना। कान खोलकर सुन लो, मैं यहाँ इसलिए नहीं आया हूँ मेरे दोस्त। मैंने सोच लिया है कि मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ। वहाँ कितनी शांति है। इस सब के लिए मुझे माफ करना दोस्त। मुझे अपने बगीचे में जाकर ताज़ा खाना खाना बहुत पसंद है। मैंने यहाँ रहकर अपना समय बर्बाद कर दिया। ऐशो आराम के पीछे भागने से अच्छा है कि हम अपनी जिंदगी अच्छी तरह से और सीधी सादी तरीके से बिताएं। तो छोटा सा देहाती चूहा घर वापस चला गया और अपनी बाकी जिंदगी वहीं रहने लगा।